नमस्कार मित्रों, डॉक्टर शंकर अडावल की तरफ से सभी दर्शकों का स्वागत। वर्ष 2020 आप सभी के लिए खुशियों भरा रहे, आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं आपकी राशि के अनुसार 2020 क्या रंग जमाएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2020 अत्यधिक फलित और मजबूत साबित होने की संभावना है, खासकर रिश्तों में। वर्ष 2020 मेष राशि के लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी त्वरित कदम उठाना। मेष राशि फल के लिए वर्ष 2020 काफी शांत होगा, अधिकतर चीजें स्थिर रहेंगी, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। अगर आप अपने वर्ष को और अधिक रोमांचक बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रोज के कार्यक्रमों में अत्यधिक रुचि दिखानी होगी। ऐसा देखा गया है कि मेष राशि वाले जातक अक्सर उत्साही व्यक्तित्व के होते हैं। मेष राशि के लोग प्यार बांटना पसंद करते हैं, वे आदर्शवादी और स्नेही संबंध बनाने में अग्रणी रहते हैं। जब भी आप किसी मेष राशि के व्यक्ति के साथ होंगे तो कभी भी बोर नहीं होंगे। 2020 में प्रेम मिलन की क्या संभावनाएं हैं मेष राशि की, आइए ये भी जान लेते हैं। इस वर्ष मेष राशि के जातकों का प्रेम विवाह या फिर शादीशुदा जीवन स्थिर रहेगा। बीते सालों में मेष राशि के जातकों की लव लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था उन्हें, लेकिन इस साल चीजें आपके और आपके साथी के लिए बेहतर होंगी। आप भले ही कितने भी रोमांटिक हों, लेकिन कुछ भी बोलने से पहले विचार जरूर कर लें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर बिना सोचे समझे बोले या आवेगपूर्ण ढंग से कोई कार्य किया तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। वर्ष 2020 के बुध प्रतिगामी होने के चलते आपके प्यार या विवाह संबंधी सोचे हुए कार्यों के सफल होने की प्रबलता दिखाई दे रही है। अब वो लोग जो शादीशुदा नहीं है, यानी एकल मेष राशि जातकों के लिए डेट करने की संभावनाएं प्रबल हैं। वर्ष 2020 मेष राशि के जातकों के लिए अपने अपने साथियों के साथ अंतरंग यात्राएं करवा सकता है। इस समय के दौरान मेष राशि के जातकों को अपने आपे में रहने की सलाह दी जाती है। वो किसी भी तरह की आवेशपूर्ण स्थिति से बचें। आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके परिवार को आपसे क्या चाहिए। 2020 रिश्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। आप जितना गुड़ डालेंगे उससे कहीं ज्यादा प्यार आपको मिलेगा। 2020 में जीविका की संभावनाएं क्या है मेष राशि की, चलिए अब उस पर एक नजर। मेष राशि फल वालों के लिए 2020 में करियर अधिक स्थिर रहेगा। आप इस साल धीरे धीरे सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी होगी। वर्ष 2020 की शुरुआत में ही मेष राशि फल के लोगों को उत्साहवर्धक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपने प्रोफेशन, बिजनेस और नौकरी में अधिक उत्साहित होंगे। वर्ष 2020 में आप अपने पुराने शौक, दबी हुई ख्वाहिशों को पूरा करने का सपना देख सकते हैं। आपके मन की नौकरी आपको मिल सकती है। व्यापार संबंधी अड़चनों को दूर करने की कल्पना भी कीजिए और कोशिश भी। इस वर्ष आपके करियर में परिवर्तन आएगा और आपके द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अपने बॉस और अपने सुपीरियर से दोस्ती करना सुनिश्चित करें, उनको अपने आत्मविश्वास में लें। ये सही समय है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। 2020 में मेष राशि वालों के लिए वित्त का क्या पूर्वानुमान है, आइए ये जानते हैं। आपके ऋण समाप्त होंगे। आपके पास अपने सभी प्रकार के खर्चों और आवश्यक वस्तुओं के लिए पर्याप्त नकदी होगी। हाँ, अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा है, नकदी है, तो उन्हें उन चीजों पर खर्च करने की कोशिश करें जो आपको थोड़ा और अधिक पैसा दिलवा सकता है। हाँ, आप चाहें तो आप अपने पैसे बचा के भी रख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए 2020 में स्वास्थ्य संबंधी पूर्वानुमान। आप शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे। आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे।
वर्ष 2020 में आपकी ऊर्जा के स्तर में अच्छा खासा उतार चढ़ाव रहने वाला है। जमीनी स्तर पर किया गया काम आपको फल देगा। सर्वसमावेशी मेष जातक वर्ष 2020 में अपने जीवन में अधिक संतुलन पाएंगे। आप अपने जीवन को सरल बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2020 कम आकर्षक होगा। इस वर्ष को अधिक यथार्थवादी बनाने की समर्थ आप में होने की पूरी संभावना है, अतः आप अधिक केंद्रित और अधिक महत्वाकांक्षी बने। वर्ष 2020 अधिक रोमांचक और गतिशील बनाने के लिए आपके जीवन में हर दिन परिवर्तन होते रहेंगे। आइए मेष राशि फल में आने वाले वर्ष 2020 के महीनों पर एक नजर डालें। जनवरी, मेष राशि के जातकों के लिए एक नया उद्यम शुरू करने का ये उत्कृष्ट समय है। फरवरी, पेशेवर और व्यक्तिगत संबंधों के निर्माण के लिए एक उत्कृष्ट महीना। मार्च, एक प्रेरक महीना होगा, आपके पास सबसे कठिन कार्य करने की ऊर्जा भी होगी। अप्रैल, रचनात्मक विचारों के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अप्रैल का महीना सबसे अच्छा समय है। मई, आपको महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल नहीं होना है और अगर कोई चारा नहीं है तो सावधान रहना होगा। जून, जून महीने की अवधि में आपको लगातार गंभीर बने रहने की जरूरत होगी और कठिन समय गुजरने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जुलाई, ये वो महीना है जब दूसरों की मदद करने से आपको खुशी और खुशी ही मिलेगी। अगस्त, अगस्त महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुछ भ्रम ला सकता है। सितंबर, मेष राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक जागृति में रुचि हो सकती है। अक्टूबर, ये वो समय है जब आप अपने जीवन में घटित होने वाली कई चीजों में व्यस्त रहेंगे। नवंबर, एक ऐसा महीना जब आपको धीमी गति से जाने की आवश्यकता होगी ताकि आप नुकसान न उठाएं। दिसंबर, कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए ये एक अच्छा महीना रहेगा और आपको दूसरों की मदद मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी और इसी तरह आप भी जरूरतमंद लोगों की मदद करने में अच्छा महसूस करेंगे। संक्षेप में, मेष राशि को वर्ष 2020 में संपूर्णतः मजबूत और विशेषताओं के साथ देखा जा रहा है, खासकर अटके हुए मामलों और रिश्तों की दृढ़ता में। यहां हम फिर बताना चाहते हैं कि वर्ष 2020 मेष राशि के जातकों के लिए सबसे अच्छी रणनीति लंबी सोच के बजाय त्वरित कदम उठाना और अत्यधिक अनुकूल रहने की अपेक्षा करता है। साथियों, ये थी राशि के हिसाब से कुछ विशेष जानकारी। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी जगह फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियोस में आपको और भी नई नई अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।